कोरोना संक्रमण में काफ़ी तेजी से कमी आई है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे बिहार सरकार लॉकडाउन में छूट दे रही है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही सभी लोग सड़क पे कुछ इस तरीके से आ गए हैं जैसे उन्होंने जमाने से सड़क को नहीं देखा हो। जी हाँ, जहाँ जहाँ भीड़ और जहाँ जहाँ लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, सड़कों पर लगातार जाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कभी एम्बुलेंस तो कभी मरीज उस जाम में फंस जा रहे हैं। यह नज़ारा, ये वीडियो जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, ये रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र का है, जगनपुरा का, जहाँ पे कि एक एम्बुलेंस मरीज के साथ फंस गया और जाम इतनी लंबी थी कि घंटों वो मरीज और एम्बुलेंस वहीं फंसे रहे। उसके बाद किसी के अंदर इतनी जहमत नहीं थी, ना पुलिस थाने के अंदर, ना वहाँ की जनता के अंदर, कि एम्बुलेंस को वो रास्ता दे सके। ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। मानते हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी ज़माने से हम फंसे हुए थे अपने घर के अंदर, हमें बहुत ज़माने बाद छूट मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तमाम नियम और कोरोना से बचने के तमाम एहतियात जो हैं उसको ताक पर रख कर अपनी ज़िंदगी को मुसीबत में डाल के दूसरों को परेशान करें। बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना से अभी भी सतर्क और सजग रहें, क्योंकि कोरोना अभी कम हुआ है, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अदृश्य दानव है, इससे लड़ने के लिए और इससे हमेशा बचने के लिए हमें सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है।